हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बैकनेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा, और ये जो डिज़ाइन है मैं बना रही हूँ बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो बोट नेक के हिसाब से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। अच्छे से हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर देना है, और ब्लाउज़ की लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ। जितनी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रखूँगी, इसलिए मैंने 14 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से आपको शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो आपका जितना भी शोल्डर होता है बोट नेक के हिसाब से वो ले लीजिएगा। 34 साइज़ में आपको यहाँ पर 7 रखना है। अगर 36 साइज़ का भी बना रहे हैं तो 7 इंच लीजिएगा। शोल्डर इन आर्म होल हम यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर इन आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है मार्जिन का। आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। बोट नेक में जो बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई हम देते हैं वो 1 इंच पर देते हैं। कमर का चौथा भाग ले लेंगे हम 7.5 इंच आएगा 28 साइज़ का। और फोर्थ पार्ट यहाँ पर, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं इसे कट कर रही हूँ। ऊपर से आपको शोल्डर को डाउन करना है 1/2 इंच पर। जब भी आप बोट नेक का ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें आपको 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देना है। अब इसे मैंने कट कर लिया है, तो देखिए कटिंग मेरी हो गई है बैक पार्ट की। अब हम इसे गले की विड्थ यहाँ पर देखिए मार्किंग हम करेंगे। गले की चौड़ाई लेनी है 4 इंच की, और गले की लंबाई लेंगे ऊपर से हम 2.5 इंच, 2.5 इंच। और यहाँ पर बोट नेक का शेप बनाएंगे हल्के हल्के हाथों से। देखिए आपको इस तरीके से बोट नेक का शेप बनाना है। अब यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ से आप नीचे जितना लेंथ रखना चाहते हैं उतना छोड़ते हुए बाकी हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो नीचे वाला हम पत्ती का शेप बनाएंगे वो आप अपने हिसाब से लेंथ में बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा है, इसे ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। तो ये गले का शेप हमारा अच्छे से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ऊपर की तरफ ये बोट नेक पर बनाया है। नीचे का डिज़ाइन अगर आप अपनी पसंद से कोई और रखना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग लेना है, और इसे सेंटर से इस तरीके से रख लेना है। सेंटर से हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो मार्किंग आपको नीचे की तरफ दिख रही है वही मार्किंग हमें करनी है इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने बोट नेक का शेप दिया था वो भी आपको अच्छे से मार्क कर लेना है। ये देखिए सेंटर से ही रखना है, और ऊपर और नीचे का नेक आपको ड्रॉ कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए साइड से 1 इंच का मार्किंग कर लेना है। पिन लगा लेंगे यहाँ पर कटिंग से पहले, और एज इट इज़ मार्किंग आपको दूसरी तरफ से भी करनी है यहाँ पर। तो पहले देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ। इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है जो नीचे वाला पैटर्न है, और इसकी मार्किंग हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग यहाँ पर कर ली है, और अब हम ऊपर वाला पैटर्न कट करेंगे। तो ऊपर वाला पैटर्न आपको इस तरीके से कट करना है। तो ये पैटर्न मेरा देखिए यहाँ पर कटिंग हो गया है, और इसके बाद अब मैं ले रही हूँ अस्तर वाला कपड़ा जो हमने अस्तर ब्लाउज़ का कट किया था। तो यहाँ पर हम अच्छे से पहले तो सेंटर मार्क करेंगे, और जो नीचे वाला पैटर्न है इसे हम यहाँ पर रखते हुए अगर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप इसे प्रेस से चिपका सकते हैं। और जो ऊपर वाला गले का पैटर्न है उसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख कर प्रेस से चिपका लेंगे। दोनों पैटर्न को आपको प्रेस से चिपका लेना है, या फिर आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को आपको सीधा रख लेना है, और अस्तर वाले कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। पेपर पेस्टिंग की जो हमने मार्किंग की हुई थी गले के डिज़ाइन की, उसी मार्किंग के ऊपर आपको मशीन चलानी है। देखिए इस तरीके से मशीन के टाँके को छोटा रखिएगा, और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगानी है।
अब हम सेंटर में एक छोटा कट करके गले के डिज़ाइन को कट कर देंगे। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा आपको छोड़ना है, बाकी सारा कपड़ा आपको कट करके निकाल देना है। उसके बाद पूरे ही गले के पैटर्न पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इन्हें कट कर देना है। ये कट लगाने से क्या होता है कि जो गला होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। कट लगाने के बाद अब हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से पलट कर इसे सीधा कर लेना है हमें। अच्छे से आप हाथ से भी यहाँ पर फिनिशिंग कर दीजिएगा कपड़े के लिए। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर गला हमारा रेडी हो गया है। अभी भी आपको इसे अच्छे से हाथ से सेट करना है ताकि अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक यहाँ पर बराबर सह हो जाए। अब हम यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। कॉर्नर की सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हमें साथ में अटैच कर देना है। ये वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सली या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। अब देखिए हमें इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। जो भी कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम कट करके यहाँ पर निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हम ऊपर वाला गला अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने इसे डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है। चौक से सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला पैटर्न है इसे भी सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। इस तरीके से चिपकाने के बाद भी अगर आप एक सिलाई यहाँ पर लगा देते हैं तो अच्छी फिनिशिंग इसमें आती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसे हम साइड से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से गले के पैटर्न को देखिए हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। और अब इसे डबल फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है और सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे यहाँ पर। अब हमें देखिए क्या करना है, सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेनी है। सेंटर में एक रफ स्टिच लगाने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई हमने लगानी है इस तरीके से। और अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। पूरे ही गले पर लगा लेंगे हम छोटे छोटे कट। कट लगाने के बाद इस पैटर्न को अंदर की तरफ करेंगे फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है। सेंटर में पहले एक छोटा कट लगाएंगे, उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स को डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स लगाने के बाद नीचे की तरफ लगाएंगे हम कमर पट्टी। तो नीचे से देखिए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी को अटैच करना है। एक सिलाई कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए लगानी है। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये बैक पार्ट देखिए हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। और इसके नीचे बो बनाएंगे, उसके लिए फैब्रिक लिया है मैंने। इसकी टोटल लेंथ है 11.5 इंच और चौड़ाई है 9.5 इंच। इसकी देखिए चौड़ाई है 5.5 इंच और लेंथ है 10.5 इंच। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है कपड़े को। और यहाँ पर देखिए बीच में थोड़ा गैप हम छोड़ देंगे इसे पलटकर सीधा करने के लिए। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को कट कर देना है और इस तरीके से कट लगा लेने हैं ताकि कॉर्नर अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हमें इसे पलट करके सीधा करना है। तो इस तरीके से आप इसे पलट कर सीधा कर लें और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से आप निकाल लें नोक वाली चीज़ से।
तो यहाँ पर देखिए मैंने बो बनाने के लिए जो फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई ली है वो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से कॉर्नर को हमें यहाँ पर निकाल लेना है। कॉर्नर निकालने के बाद देखिए अब हम इसे पलटकर अंदर की तरफ से इसे फोल्ड कर देंगे ताकि यहाँ पर फिनिशिंग हो जाए। जितना गेप हमने इसे पलटने के लिए खुला रखा था अब उसे पैक कर देंगे और एक सिलाई बिल्कुल कॉर्नर की यहाँ पर फिनिशिंग की लगा लेंगे। इस तरीके से आपको सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। तो ये एक पैटर्न हमारा रेडी हो गया है और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका दूसरा पैटर्न भी रेडी करेंगे। इसे भी हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक मैंने यहाँ पर खुला छोड़ दिया है इसे पलट कर सीधा करने के लिए। और अब यहाँ से देखिए हम इसे भी पलट कर सीधा करेंगे। इस तरीके से आपको इसे पलट कर सीधा कर लेना है। उसके बाद इसके भी कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं। इसके भी हम साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दोनों पैटर्न हमारे रेडी हो गए हैं और अब इनका सेंटर मार्क करना है। तो इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे अच्छे से और चॉक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। इसे भी डबल फोल्ड करेंगे और चॉक से सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर इसे बो का लुक देना है। तो इस तरीके से हम इसे ऊपर से पकड़ते हुए यहाँ पर इसे बो का लुक दे देंगे। यहाँ पर आपको इसे सिलाई लगा कर पका कर देना है। और अब देखिए हम नीचे वाला जो पैटर्न है इसे भी इस तरीके से करेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने लगा दी है और इसके बाद अब हम इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे अटैच कर देना है, सिलाई लगा कर इसे पक्का कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देंगे और इस पर कोई सा भी आपको फैब्रिक पैटर्न या कुंदन या मोती आप इसके ऊपर अटैच कर दीजिएगा जिससे इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाए। ब्लाउज़ के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हम इसे रखेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर यहाँ पर नेक के नीचे भी आप इसे लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन बनके हमारा रेडी हो गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।